So now we will be beginning with your first exercise, that is exercise 13.1, and we will be doing a few questions. So we will begin with the third question. In this question, we have to find the limit of pi r square as r tends to 1. ठीक है, अब इसमें हम यूज़ करेंगे एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स. हमें पता है एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के हिसाब से अगर हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है जो एक फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रही है एंड अगर हमें उसकी लिमिट निकालनी है तो वी कैन राइट इट एज द कांस्टेंट इनटू द लिमिट ऑफ द फंक्शन. सो सिमिलरली व्हाट वी कैन राइट हियर इज पाई, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट टर्म है तो वो बाहर आ सकता है. एंड देन वी हैव लिमिट आर टेंड्स टू 1 आर स्क्वायर. नाउ अगेन जो ये स्क्वायर है इसको हम बाहर ले सकते हैं एंड पूरी लिमिट को हम अंदर ले जा सकते हैं. दैट मीन्स वी कैन राइट इट लाइक लिमिट आर टेंड्स टू 1 आर का स्क्वायर. ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर विच इज़ द सेम एज पाई. तो इस लिमिट का आंसर आया पाई. मूविंग ऑन टू योर सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें हमें लिमिट निकालनी है ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन. अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एज x टेंड्स टू 0 तो हमारा जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ ऑल्सो बिकमिंग 0. तो जो हमारा ये पूरा फंक्शन है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो इस वजह से हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हमारा फंक्शन लिमिट पर डिफाइंड रहे. सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट अस टेक x प्लस 1 टू बी y. नाउ एज x टेंड्स टू 0, जैसे जैसे x 0 की तरफ जाएगा, वी हैव x इज इक्वल्स टू y माइनस 1. तो इसका मतलब क्या हुआ, y माइनस 1 भी 0 की तरफ जा रहा है. दैट मीन्स y किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ. ठीक है, तो हमारी लिमिट x टेंडिंग टू 0 से चेंज हो गई y टेंडिंग टू 1 से. अब फंक्शन में भी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वी हैव लिमिट y टेंडिंग टू 1. अब x प्लस 1 की जगह क्या आ गया, y. तो ये हो गया y की पावर 5 माइनस 1, और x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, y माइनस 1. अब ये हमारा उस थ्योरम की तरह बन गया जिसमें वी हैव x टू द पावर n माइनस a ओवर x माइनस a एंड द लिमिट इज x टेंडिंग टू a. उसके हिसाब से आंसर क्या आता है, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, और लिमिट सेम रहती है. तो अब यहाँ पर n क्या है, 5, x की जगह पर क्या है, y, और लिमिट क्या है, y टेंडिंग टू 1. तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बाय दैट थ्योरम, लिमिट y टेंडिंग टू 1 n, दैट मीन्स 5, x टू द पावर n माइनस 1 मतलब यहाँ पर आ जाएगा y टू द पावर 4. अब इसमें हम सेम उसी तरीके से कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले जाकर. कांस्टेंट हमने बाहर लिख लिया, दैट मीन्स 5 को बाहर लिखकर वी हैव लिमिट y टेंडिंग टू 1 y होल की पावर 4. हमने एक ही स्टेप में दोनों चीज़ें कर दी एंड व्हेन वी सॉल्व दिस वी हैव आंसर इज 5. नाउ रिमेंबर, इनिशियली जब भी आप सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड वैसे भी स्पेसिफिकली इन दीज क्वेश्चंस आप हर स्टेप में रीज़न लिखेंगे दैट व्हाई यू आर डूइंग दिस थिंग और दिस पर्टिकुलर स्टेप. तो वहाँ पर आपको रीज़न लिखना पड़ेगा कि आप कॉन्स्टेंट बाहर क्यों ले रहे हो या फिर आप पावर ऐसे चेंज क्यों कर रहे हो. सो जस्ट राइट द मेन थ्योरम, जस्ट द नोटेशन. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द एट्थ क्वेश्चन, इसमें हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलीनोमियल फंक्शन है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉलीनोमियल को स्प्लिट कर लेते हैं क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा डिनोमिनेटर फंक्शन लिमिट पर डिफाइंड है भी या नहीं. सो लेट्स जस्ट फैक्टराइज द पॉलीनोमियल. सो वी हैव लिमिट x टेंडिंग टू 3, न्यूमरेटर क्या बन जाएगा हमारा, x स्क्वायर प्लस 9 इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 3, ये आ जाएगा. और डिनोमिनेटर की जगह पर क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, राइट. अब अगर हम देखें तो हमारी x माइनस 3 न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो ये हो गई कैंसिल. अब बचा क्या हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x स्क्वायर प्लस 9 इंटू x प्लस 3 ओवर 2x प्लस 1. अब हम चेक करते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर लिमिट पर डिफाइंड है या नहीं है. अगर हम x की जगह पर 3 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो हमारा डिनोमिनेटर लिमिट में डिफाइंड है. तो इस वजह से हम लिमिट को क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं. सो व्हाट डू वी हैव हियर इज लिमिट x टेंडिंग टू 3. अब सिंस दीज आर टू फंक्शंस जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हम लिमिट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऑफ दीज पर्टिकुलर फंक्शंस. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस एंड इन द डिनोमिनेटर व्हाट डू वी हैव,
लिमिट x टेंडिंग टू 3 2x प्लस 1। अब कुछ नहीं करना, हमें इन फंक्शंस की लिमिट निकालनी है। अब इसमें एक और स्टेप, आप ऐड ऑन करके लिमिट को इन दोनों फंक्शंस में भी डिवाइड करोगे। जो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है वो यही कहती है कि दोनों फंक्शंस में लिमिट सेपरेट हो सकती है। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3x स्क्वायर प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 9। सिमिलरली इधर भी लिमिट सेपरेट हो जाएगी एंड सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर एज वेल। सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली हियर, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x टू बी 3, देन व्हाट हैपेंस, वी हैव 18 इंटू 6 ओवर 7, दैट इज 108 ओवर 7, दैट विल बी योर आंसर। सो मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन, इसमें हमें लिमिट निकालनी है ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन एज z टेंड्स टू 1। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर वाला फंक्शन है उसको हम एक अलग फॉर्म दे सकते हैं। वी कैन राइट इट लाइक z टू द पावर 1/6 होल का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओवर z टू द पावर 1/6 माइनस 1। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर हम z टू द पावर 1/6 को x ले लें, ठीक है, तो ये हमारा उसी फॉर्म का बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स माइनस ए एज x टेंड्स टू a। कैसे, क्योंकि अगर z टेंड कर रहा है 1 को तो z की पावर 1/6 भी 1 की तरफ ही जाएगा, तो लिमिट में तो ऐसा सच कोई हमारे पास चेंज नहीं आएगा। सो वी कैन जस्ट राइट इट लाइक लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 1। और इसका हमें फॉर्मूला पता है, जब भी इस टाइप की लिमिट होती है तो आंसर क्या आता है, n a टू द पावर n माइनस 1, राइट। तो अब यहाँ पर a क्या है हमारे पास 1 और n की वैल्यू क्या है 2, तो आंसर क्या आएगा 2 इंटू 1 टू द पावर 1, दैट मीन्स आंसर विल बी 2। नाउ मूविंग ऑन टू द 13th क्वेश्चन, हियर वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ साइन ए एक्स ओवर बी एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0। अब हमने एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें देयर वॉज लिमिट y टेंडिंग टू 0 साइन y ओवर y, ये चीज़ हमेशा 1 होती है, ये हमने एक थ्योरम पढ़ा है। इसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी आप यहाँ पे लिमिट ले रहे हैं तो जो ये लिमिट वाली चीज़ है, जो टर्म है, दिस शुड बी योर एंगल ऑफ साइन, ये बताया था मैंने आपको। अब यहाँ पर जो साइन का एंगल है वो ए एक्स है और लिमिट किसकी ले रहे हैं हम, एक्स की, तो हमें इसको इस तरीके से अरेंज करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं हम कोई भी टर्म सच दैट ये इस फॉर्म का बन जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंस हमें साइन वाई ओवर वाई फॉर्म का चाहिए, दैट मीन्स इसी एंगल की टर्म नीचे आनी चाहिए, सो दैट शुड बी, हम अगर ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स तो है ही और नीचे x भी है, हमें a और चाहिए, सो हमने a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये क्या बन गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स ओवर ए एक्स इन टू ए बाई बी, ये बन गया। नाउ एज x इज टेंडिंग टू 0 ए एक्स भी 0 की तरफ ही जाएगा, क्योंकि a एक कोई भी एक कांस्टेंट टर्म है जो x में मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो ए एक्स भी 0 की तरफ ही जाएगा, तो इसी वजह से हम लिमिट को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, लिमिट ए एक्स टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स ओवर ए एक्स। नाउ सिंस दिस इज अ कांस्टेंट टर्म तो इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं a बाय b, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये पूरा तो आ गया हमारा 1, तो आंसर आएगा a ओवर b। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द 15th क्वेश्चन, यहाँ पर भी अब देखो जो हमारा एंगल है वो पाई माइनस एक्स है और लिमिट क्या है, x टेंडिंग टू पाई, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, लेट्स जस्ट टेक पाई माइनस एक्स टू बी y, तो हमारे पास चेंज क्या आ गया, नाउ एज x इज टेंडिंग टू पाई, जैसे जैसे x पाई की तरफ जा रहा है तो y 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो हमारी लिमिट चेंज होके बन गई है लिमिट y टेंडिंग टू 0 और फंक्शन क्या बन गया, साइन y ओवर पाई इंटू y। अब सिंस पाई इज़ अ कांस्टेंट टर्म, हम पाई को बाहर ले सकते हैं, सो 1 बाय पाई हमने बाहर ले लिया, लिमिट हम अंदर ले गए फंक्शन के साथ और ये बन गया लिमिट y टेंडिंग टू 0 साइन y ओवर y।
और हमें पता है ये टर्म क्या बन जाती है, 1. सो द आंसर विल बी 1/π. तो इस तरीके से आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट फाइंड आउट कर सकते हो, बट मेक श्योर जो आपका एंगल है वही लिमिट होनी चाहिए, ठीक है. नाउ इन द 23rd क्वेश्चन हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन की लिमिट निकालनी है एज एक्स इज टेंडिंग टू 0 एंड एक्स इज टेंडिंग टू 1. फंक्शन हमें गिवन है, जब भी x लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन है 2x+3, जब भी x ग्रेटर देन 0 है फंक्शन है 3 × x+1. अब इस पर्टिकुलर केस में क्या है कि हमें फंक्शन डिफाइंड नहीं है, एक पर्टिकुलर फंक्शन यहाँ पर हमें पीस वाइज डिफाइंड है, मतलब x की डिफरेंट वैल्यू के लिए फंक्शन की भी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं. तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिमिट नहीं निकाल सकते. इन केसेस में हम हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. अगर दोनों लिमिट सेम होती हैं तो वही होगी लिमिट ऑफ द फंक्शन. सो कंसिडरिंग दिस, सबसे पहले हम शुरू करते हैं फॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. एक्सटेंडिंग टू 0 के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे आएगी, दैट विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस fx. दैट मीन्स जब भी हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स जो x है वो हमेशा हमारा 0 से छोटा है. तो जब x 0 से छोटा होगा तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2x+3, ठीक है. तो अब हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2x+3. हमने डायरेक्टली ये क्यों लिख लिया, क्योंकि हमने फंक्शन को तो लिख ही दिया ना एज एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, मतलब जब लेफ्ट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं तो हमने ऑलरेडी फंक्शन में चेंज कर दिया. तो हम लिमिट को इसी तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि हमने नेगेटिव साइन का ऑलरेडी रोल कंप्लीट कर दिया है. नाउ बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 0+3, दैट मीन्स 3. सिमिलरली हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट कैसे आएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+fx. दैट मीन्स जब भी हम 0 को अप्रोच करेंगे बाय राइट हैंड साइड, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0, उस केस में फंक्शन क्या है, 3 × x+1. तो ये हमारा क्या बन गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऑफ 3 × x+1. अगेन बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स ये क्या आ जाएगा, 3 × 0+1 विच इज 3. तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आई है, दैट मीन्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज 3, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही सेम आई है. सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे एज x इज टेंडिंग टू 1. ऑलराइट, तो उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, मतलब x जो है वो 1 से छोटा है, एंड वी हैव टू फाइंड दिस फॉर fx. अब x लेस देन 1 में फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन कैन बी ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है. तो फंक्शन इस टाइप का हो गया, तो इसमें हमारा आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 3 × x+1, ठीक है. एंड बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी 3 × 2 विच इज 6. टॉकिंग अबाउट राइट हैंड लिमिट, इसमें हमारा जो 1 है उसको हम अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, मतलब ये उन केसेस के लिए जहाँ पर x इज ग्रेटर देन 1. अब x ग्रेटर देन 1 के लिए भी फंक्शन सेम ही है, ठीक है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 3 × x+1 विच इज अगेन 6. यहाँ पर जो फंक्शन था वो 0 पे चेंज कर रहा था, ठीक है. तो इसीलिए हमने 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना और राइट साइड से अप्रोच करना दोनों में ही सेम फंक्शन लिया है, क्योंकि जब हम बात करते हैं अप्रोच करने की तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम बहुत दूर वाले नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. अगर मैं 1 को अप्रोच करने की बात कर रही हूँ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट कुड बी आइदर 0.99 और 0.97, इस तरीके के, मतलब दे आर वेरी क्लोज नंबर्स बट दे आर लेस देन 1, ठीक है. तो उन केसेस में फंक्शन हमेशा हमारा यही होगा, क्योंकि फंक्शन चेंज हो रहा है 0 पे, एंड 0 और 1 के बीच में काफ़ी बड़ा गैप है, इतना गैप हम लेते नहीं है वाइल वी आर अप्रोचिंग द फंक्शन, ठीक है. तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 6 आ गई. इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि हमारी दोनों लिमिट्स सेम आई हैं. सिमिलरली वी हैव क्वेश्चन नंबर 25. इसमें भी हमें इवेलुएट करनी है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx, और fx क्या दिया हुआ है, जब भी x नॉन जीरो होगा fx विल बी mod x over x, और जब भी x 0 होगा fx विल बी 0.
इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, दैट विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स. जीरो माइनस मतलब जो एक्स है वो जीरो से छोटा है, एक्स इज लेस देन जीरो. जब भी एक्स लेस देन जीरो होता है तो हमारा मॉड फंक्शन क्या देता है, एक नेगेटिव आउटपुट देता है. और ये बेसिकली हमारा एक सिग्नम फंक्शन है. तो फॉर एक्स लेस देन जीरो सिग्नम फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस वन. हाउ, फॉर एक्स लेस देन जीरो मॉड एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स. तो मॉड एक्स बाय एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाय एक्स विच इज माइनस वन. ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और फंक्शन क्या बन गया हमारा, माइनस वन. तो इसकी लिमिट क्या होगी, माइनस वन, क्योंकि ये तो एक्स पे डिपेंड कर ही नहीं रहा. सिमिलरली अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, दैट विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स. अब यहाँ पर हमारा फंक्शन जीरो नहीं है, मतलब जो x है हमारा वो जीरो नहीं है, तो इसमें भी हम फंक्शन यही वाला लेंगे. अब बात कर रहे हैं हम x टेंडिंग टू जीरो प्लस, मतलब जीरो को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से. दैट मीन्स x इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो इन दिस केस. तो इसमें जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या बन जाएगा, मॉड x इज x फॉर x ग्रेटर देन जीरो और ओवर x दैट मीन्स वन. तो ये क्या बन गया हमारा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और फंक्शन की जगह पर आ जाएगा वन. आ गया वन. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट आई माइनस वन, राइट हैंड लिमिट आई वन. तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अनइक्वल है. लिमिट हमेशा तब ही एग्जिस्ट करेगी जब ये दोनों लिमिट्स इक्वल हो. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 27 हमें फाइंड करनी है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 एफ एक्स, वेयर एफ एक्स इज डिफाइंड टू बी मॉड एक्स माइनस 5. अब इस केस में भी हम लिमिट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स. व्हाई, बिकॉज हमारे पास फंक्शन में एक और फंक्शन है मॉड एक्स. नाउ मॉड एक्स इज अ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, वो अलग अलग पीसेज में डिफाइंड होता है. तो इसीलिए हम डायरेक्टली अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स नहीं निकाल सकते. इस केस में भी हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 माइनस एफ एक्स. ठीक है, अब यहाँ पर एक और तरीका होता है टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट्स एंड राइट हैंड लिमिट्स. यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक स्मॉल पैरामीटर ले लेते हैं h. ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं एक्स टेंडिंग टू 5 माइनस, तो हम फाइंड करते हैं f ऑफ x माइनस एच, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 माइनस एच. एंड h ऑलवेज टेंड्स टू जीरो. इसका मतलब क्या हुआ कि हम 5 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं इसलिए हम माइनस करते हैं. और h टेंडिंग टू जीरो क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम 5 को अप्रोच कर रहे हैं. तो जैसे जैसे h ज़ीरो होता जाएगा वैसे वैसे हम लोग f ऑफ 5 पे आ जाएंगे, दैट मीन्स फंक्शन पे अराइव करेंगे. इसीलिए हम हमेशा इस तरीके से लिमिट को फाइंड करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो और यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ 5 माइनस एच. 5 माइनस एच क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो 5 माइनस एच का मॉड माइनस 5. दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो. नाउ सिंस h इज़ लेस देन 5, तो ये जो मॉड है ये हमेशा हमारे पास यही आउटपुट देगा, 5 माइनस एच, क्योंकि एक पॉजिटिव टर्म है. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस बिकम्स 5 माइनस 5 इज़ 0, हमारे पास माइनस एच आया और उसकी लिमिट हमें ले जानी है एज एच टेंड्स टू 0. सो दिस बिकम्स 0. अब अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट के केस में हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच लेंगे, क्योंकि हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं और क्राइटेरिया वही रहेगा h टेंडिंग टू 0. तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के केस में क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस f ऑफ x. अब यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगी h टेंडिंग टू 0 में और x की जगह क्या आ जाएगा, 5 प्लस h. ठीक है, फंक्शन की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 5 प्लस h हमने सब्सटीट्यूट करा, ये हमेशा एक पॉजिटिव आउटपुट देगा और 5 प्लस एच इज़ ऑलरेडी अ पॉजिटिव नंबर. तो इसका आउटपुट क्या होगा, 5 प्लस एच माइनस 5.
विच विल बी ज़ीरो अगेन, क्योंकि 5 और 5 कैंसिल हो गए एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0, h इज 0. तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई हमारी? 0. इसका मतलब इस पूरे फंक्शन की लिमिट क्या आएगी? 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का, एंड जनरली हम यही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, जिसमें जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो x की जगह पर वी विल सब्स्टिट्यूट a माइनस h, ठीक है, क्योंकि हम a को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं एंड h इज़ अ वेरी स्मॉल पैरामीटर. क्योंकि हम अप्रोच कर रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि हम अभी तक a पे पहुँचे नहीं हैं, तो h एक वो पैरामीटर है जो ये बता रहा है कि हम a से कितना दूर है. तभी हम लेते हैं h टेंडिंग टू 0, क्योंकि जैसे ही h 0 हो जाएगा हम a पे पहुँच जाएंगे, तो इसीलिए हम इस लिमिट को ऐसे लिखते हैं. और अगर हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, तो वहाँ पर हम लेते हैं a प्लस एच, क्योंकि हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, एंड h टेंडिंग टू 0, क्योंकि जब h 0 बन जाएगा तभी हम a तक पहुँच जाएंगे. ठीक है, मूविंग ऑन टू द 30th क्वेश्चन. हमें वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी है a की, सच दैट ये लिमिट एग्जिस्ट करे. और फंक्शन क्या डिफाइंड है? फंक्शन इज डिफाइंड एज जब भी x लेस देन 0 होगा फंक्शन है मॉड x प्लस 1, x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन 0 है, x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन मॉड x माइनस 1 है. अब हम a की वो वैल्यूज़ निकालेंगे जिस पर ये लिमिट डिफाइंड है, एग्जिस्ट करती है. तो हम शुरुआत करते हैं टेकिंग a टू बी 0. अगर हमने a को 0 ले लिया, अब यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये पीस वाइज डिफाइंड है. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f of x, ठीक है. अब a माइनस का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट साइड से अप्रोच करना. तो जो हमारे पास नंबर्स होंगे वो लेस देन 0 होंगे, तो इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा? x लेस देन 0 वाला, ये वाला, ठीक है. और इसका आउटपुट क्या होगा? सिंस हमारा x इज लेस देन a, ठीक है, और a 0 है, तो x क्या हो गया? नेगेटिव नंबर. तो मॉड x क्या आउटपुट देगा? मॉड x विल गिव यू द आउटपुट माइनस एक्स. तो ये लिमिट क्या आ जाएगी? माइनस ए प्लस वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया था? एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, और ए था हमारे पास 0. तो इसी वजह से हमारे पास सारे एक्सेस क्या होंगे? नेगेटिव. एक्स नेगेटिव तो मतलब फंक्शन ये होगा, और अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉड क्या देता है? माइनस एक्स. इसलिए हमारे पास लिमिट आ गई माइनस ए प्लस वन. टॉकिंग अबाउट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे आएगी? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, दैट मीन्स अब हम फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम ऑल द पॉजिटिव साइड्स, क्योंकि a 0 है, तो इसीलिए फंक्शन क्या हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 होगा. सिंस x अभी तक a पे पहुंचा नहीं है, x अभी तक 0 हुआ नहीं है, और राइट साइड से आ रहे हैं, तो मतलब x ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या हो गया? मॉड x माइनस 1. तो लिमिट क्या हो जाएगी? x टेंडिंग टू a मॉड x माइनस 1. अब मॉड x क्या होगा? सिंस x इज ग्रेटर देन 0 तो मॉड x विल बी x ओनली, सो ये हो जाएगा x माइनस 1. तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? a माइनस 1. अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, इसलिए a इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. टॉकिंग अबाउट a लेस देन 0, अगर हम a लेस देन 0 की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में क्या होगा? वी आर टेकिंग लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस. अब देखो a जो है वो 0 से छोटा है, ठीक है, और x जो है वो a के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है. तो बेसिकली क्राइटेरिया क्या है कि x छोटा है a से और a छोटा है 0 से, सो x भी क्या हुआ? 0 से छोटा हुआ, ठीक है. तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा? फिर से हमारा मॉड x प्लस 1 हो जाएगा. तो हमें यहाँ पे लिमिट निकालनी है एफ एक्स की, और जब हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे एफ एक्स की वैल्यू, तो ये मॉड एक्स प्लस वन हो गया. अब मॉड एक्स प्लस वन के केस में क्या होगा? माइनस एक्स प्लस वन, क्योंकि एक्स जो है वो 0 से छोटा है, तो मॉड क्या देगा? माइनस एक्स देगा, माइनस एक्स प्लस वन. इसमें लिमिट आ गई माइनस ए प्लस वन. टॉकिंग अबाउट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या हो रहा है? हम एक्स ए को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, दैट मीन्स एक्स टेंडिंग टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स. नाउ सी, जो x है वो a के काफ़ी करीब है, ठीक है, और a जो है वो 0 से छोटा है, 0 के बराबर नहीं है. तो इस केस में x किधर होगा? x होगा हमारा a और 0 के बीच में,
ठीक है, क्योंकि हम बहुत पास वाले नंबर्स लेते हैं, ए के जो बहुत पास नंबर्स हैं हम उनसे अप्रोच करते हैं, तो इसलिए ये क्राइटेरिया होगा। तो इसमें भी हमें क्या मिल रहा है कि x 0 से छोटा है, तो फंक्शन क्या हो गया, मॉड x प्लस 1। तो इसमें भी सिमिलरली हम क्या करेंगे, x टेंडिंग टू a मॉड x प्लस 1। अब सिंस x इज लेस देन 0 तो मॉड का आउटपुट क्या आया, माइनस x प्लस 1, तो लिमिट क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, माइनस a प्लस 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आई इक्वल इन द केस ऑफ a लेस देन 0, तो a लेस देन 0 के केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी। टॉकिंग अबाउट a ग्रेटर देन 0, इस पे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें a निकालने थे जिन पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो अब a ग्रेटर देन 0 का केस बचा है सिर्फ, इसमें हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x। अब देखो a जो है वो 0 से बड़ा है और x जो है वो a को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब x 0 से बड़ा होगा और a से छोटा होगा, क्योंकि वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, और वो 0 के बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में फिर काफ़ी बड़ा गैप आ जाएगा। ठीक है, हम हमेशा पास के नंबर्स लेते हैं, तो ये क्राइटेरिया फॉलो होगा। तो इसमें हमारा फंक्शन क्या हो गया, x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन है मॉड x माइनस 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a मॉड x माइनस 1। मॉड x क्या आउटपुट देगा, सिंस x इज ग्रेटर देन 0 तो मॉड x देगा, तो यहाँ पर हमारी लिमिट क्या आ जाएगी, a माइनस 1। टॉकिंग अबाउट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, इसका मतलब 0 लेस देन a लेस देन x वाला केस है, क्योंकि x a को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है और a ऑलरेडी 0 से बड़ा है, तो मतलब ये केस है। तो इसमें भी हमें क्या मिल गया कि x इज़ ग्रेटर देन 0, फिर से फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, मॉड x माइनस 1, तो यहाँ पर लिमिट हो गई x टेंडिंग टू a, और फंक्शन के लिए हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया मॉड x माइनस 1। नाउ सिंस x इज़ ग्रेटर देन 0, मॉड x आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब x ही देगा, तो ये लिमिट आ जाएगी a माइनस 1। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आई, इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 के केस में भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इसीलिए हमें क्या मिल गया कि ये वाली लिमिट हमेशा तब ही एग्जिस्ट करेगी जब या तो a लेस देन 0 हो या a ग्रेटर देन 0। जब भी a इक्वल टू 0 होगा तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी फॉर दिस फंक्शन। तो हमेशा जब भी हमें फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड हो तो हमेशा हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के चेक करना है कि दोनों लिमिट इक्वल आ रही है या नहीं। अगर इक्वल आ रही हैं तो फंक्शन की लिमिट मिल गई, अगर इक्वल नहीं आ रही दैट मीन्स फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उस पर्टिकुलर पॉइंट पे।